सोनिया सिंह डिजाइन क्लासेस में आज हम पीसीएम मसालों के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज मैं पीसीएम मसाले का जो इंस्टेंट ग्रेवी मिक्सचर है उसको यूज करूंगी और उससे बनाऊंगी नवरत्न कोरमा विद पीसीएम इंस्टेंट ग्रेवी। बहुत इजी रेसिपी है, कोई मसाले नहीं डालने पड़ेंगे, ना नमक डालना पड़ेगा, ना मिर्ची, ना कुछ। बस आपको पानी में उसको डिजोल्व करना है और उसको ग्रेवी उसकी रेडी करनी है। तो देखते हैं इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए सबसे पहले पीसीएम के जो इंस्टेंट ग्रेवी मिक्सचर है मैं ये वाला यूज़ करूँगी। ये इसमें 50 ग्राम का पाउच आता है, ये 50 ग्राम का पाउच है। इसको मैं 250 ml मैंने वाटर लिया है, इसके अंदर मैं इसको मिक्स करूँगी। इसके साथ में मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल लूँगी। अपनी वेरिएशन देने के लिए मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी चिरौंजी 1/4 टीस्पून, थोड़े से पनीर के क्यूब्स मैंने रखे हुए हैं और थोड़ा सा पनीर मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। साथ में मैंने ली है शिमला मिर्ची, एक लंबी काट के रखी है, और थोड़ी सी पत्ता गोभी। आप चाहें तो इनको थोड़ा ब्लांच भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ग्रेवी में ही मिक्स करेंगे। तो मैं पहले इस पैकेट को, जो हमारा पीसीएम इंस्टेंट ग्रेवी मिक्सचर है, इसको मैं कट कर लेती हूँ और इसको पानी में मिक्स कर देती हूँ। जी, मैंने इसके अंदर ही ग्रेवी मिक्सचर डाल दिया है। आपको इसमें कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नमक कम लगे तो वो डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है 250 ml वाटर में। पीसीएम मसाला ग्रेवी का जो मिक्सचर है मैंने पानी के अंदर मिक्स कर रख दिया। चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लेती हूँ, 1 टीस्पून ओनली ऑयल ले रही हूँ। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी चिरौंजी। ऑयल गर्म हो गया और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून चिरौंजी। बस अब हमने इसमें डालना है, थोड़ी सी गर्म हो गई है और इसके अंदर मैं, इसकी चिरौंजी की खुशबू बहुत अलग से आती है। वैसे तो पीसीएम मसाला काफ़ी कुछ कवर कर देगा, सारे फ्लेवर इसमें है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये वाला मिक्सचर पूरा। बस ग्रेवी रेडी होने वाली है बहुत जल्दी से। इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट हमें सिकाई देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा कलर आ गया है, बहुत ईजी है, वाकई कलर बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये बहुत इजी ग्रेवी है, फटाफट बनने वाली। गेस्ट आए भी तो भी आप फटाफट इसको रेडी कर सकते हैं। बस 2 मिनट ही रखा है और इसमें अच्छा सा उबाला आ गया है। चलिए मैं इसमें थोड़ी सी अब सब्जियां, मुझे जो थोड़ी सी इसमें मिक्स करनी है, शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी। आप इसमें तले हुए आलू और प्याज डाल के भी सब्जी बना सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 1/2 कप शिमला मिर्च और साथ में मैंने डाल दी है शिमला मिर्च के साथ में थोड़ी सी पत्ता गोभी। 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो ब्लांच करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसको ढक के रख दिया है, बस एक उबाला आ जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं इसमें पनीर डाल के पूरी ग्रेवी कंप्लीट कर दी। चलिए बस हमने 2 मिनट के लिए इसको रखा है, हल्की हल्की मैंने नरम करी है, मुझे थोड़ा सा हल्का सा कच्चा चाहिए सब्जियाँ। आप चाहें तो इनको तल के भी डाल सकते हैं, आप इसमें उबले हुए आलू यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें जो वैरायटी बनाना चाहे बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसको थोड़ा नवरत्न कोरमा की वेरिएशन दी है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा घिया कस किया हुआ जो मैंने ग्रेट करके पनीर रखा वो डालती हूँ, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा के रख लिया मैंने, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो बिल्कुल आपको कुछ ना नमक डालना है, ना मिर्च डालनी है, कोई कसूरी मेथी नहीं डालनी, मतलब बिल्कुल एकदम जल्दी से रेडी होने वाली ये ग्रेवी है। और आप देख ही रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है, एकदम अच्छे से टेस्ट में शायद बैठेगी। तो चलिए मैं इसको बाउल में शिफ्ट करती हूँ और इसमें पनीर के हम क्यूब्स डालेंगे। इसमें मैंने 3-4 क्यूब्स तो पहले से डाल दिए हैं और थोड़े क्यूब्स मैंने रख लिए हैं। आप पनीर, ओनली पनीर से ही बनाना चाहें तो सिर्फ पनीर बना सकते हैं इसके अंदर। और चलिए मैं इसको अब इसमें बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ। चलिए मैं इसमें थोड़े से पनीर के जो क्यूब्स रह गए हैं उनको अरेंज कर देती हूँ। तो मैंने इसको नवरत्न कोरमा में बनाया है, लेकिन आप इसको सिर्फ आलू पूरी की जो सब्जी बनाते हैं उससे उसके लिए बना सकते हैं, या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं मिक्स वेज के लिए, स्पाइसी
बनाने के लिए। देख लीजिए इसमें कोई स्पाइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप ये पीसीएम मसाला की जो इंस्टेंट ग्रेवी है इसको डेफिनेटली ट्राई करेंगे, और प्लीज आप इसको ट्राई कीजिए और यूज कीजिए। तो मैंने इसको गार्निश कर दिया, तो हमने पीसीएम मसाला ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से रेडी करके देखी और यूज भी करके देखी। मैंने टेस्ट भी किया है, टेस्ट एकदम परफेक्ट है। मुझे ना नमक डालना पड़ा ना मिर्च। तो पीसीएम मसाला इंस्टेंट ग्रेवी के साथ में हमने बनाया नवरत्न कोरमा। थैंक यू। अगर आप इसको प्लीज ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसमें ये लिखा।